आज उम्मीदवारी पत्रक जांच की प्रक्रिया के तहत वार्ड नंबर 16 के भाजपा के उम्मीदवार वैसे नरेश रबारी सहित अन्य उम्मीदवारों द्वारा भी अपनी जांच प्रक्रिया में हाजिर रहे थे, जहां चारे उम्मीदवारों का फॉर्म मान्य रखा गया है। उम्मीदवारी पत्रक जांच की कामगिरी का आज शहर के हर एक जिला पंचायत कचेरी सहित कलेक्टर कचेरी सहित अन्य जगहों पर उम्मीदवारी पत्रक जांच की यानी कि स्क्रूटनी कामगिरी का आयोजन किया गया था, जहां हर एक भाजपा कांग्रेस सहित अन्य पक्ष के उम्मीदवार हाजिर रहते हुए चुनावी अधिकारी की मौजूदगी में ये प्रक्रिया पूर्ण की गई। तो वहीं वार्ड नंबर 16 भाजपा के उम्मीदवार नरेश रबारी सहित अन्य उम्मीदवार भी हाजिर रहते हुए आज अपनी निश्चित जीत का विश्वास मीडिया के समक्ष दर्शाया था, जहां उनके द्वारा बताया गया था कि उनके चारों उम्मीदवार के फॉर्म चुनाव अधिकारी द्वारा मान्य रखे गए हैं। तो वहीं अब से वे अब चुनावी प्रचार और प्रसार की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे और लोगों के बीच जाकर भाजपा द्वारा किए गए वैसे विकास कार्य और उसकी गाथा को पेश करेंगे। कितना फॉर्म भराया था, कितना रिजेक्ट किया ना, जे रीते कलेक्टर श्री ने हमने कीधु एमां जाणवा मळ्युं एमना द्वारा कि 33 फॉर्म भरवामां आवेला हता। भारतीय जनता पार्टी ना चारे उम्मीदवार ना फॉर्म मान्य राखवामां आव्या छे। ए सिवाय एमने अमने सांजे कीधुं छे कि जे कंई थशे तमने सांजे जवाब आपशुं। बीजा वोर्ड साथे आवी गयो तो अने आजथी मान्य थया एटले अमे तरत बहार निकल्या अने हवे अमे अमारा विस्तारनी अंदर लोको वच्चे संपर्कमां जईशुं अने आजथी अमारी फेरणी शरूआत थाय छे। આજે ફોર્મ ચકાસણીમાં અમે આવ્યા હતા ચારે ચાર ઉમેદવારો અને અમારા ચારે ચાર ઉમેદવારોના ફોર્મ ઓકે થઈ ગયા છે, મંજૂર થઈ ગયેલ છે અને હવે અમે અમારો આગળ ચૂંટણી પ્રચારનો વેગ વધારીને પ્રચાર શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ। આજે શું આગળની રણનીતિ શું રહેશે? આગળની રણનીતિ અમે પ્રજા વચ્ચે જઈશું, અમે જે વિકાસના કામો કર્યા છે પ્રજાની જોડે મૂકીશું। કોરોનાના મહામારીમાં અમે જે કામો કર્યા છે, પૂરગ્રસ્ત હતી તે ઘડી અમે જે લોકોની પડખે ઉભા રહીને કામો કર્યા છે, એ લોકો વચ્ચે જઈને અમે એના માટે વોર્ડમાં પરિવર્તન કરીશું અને લોકોને અમે અમારી તરફ કરીશું ને કે વોટ આપશો। ખૂબ